हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन अप। अगर आप भी अब यूट्यूब में एक क्रिएटर हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि आपका वीडियो एक बड़े यूट्यूबर की तरह, बड़े क्रिएटर की तरह आपका भी वीडियो प्रेजेंटेशन हो, तो मैं आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्री टूल्स को यूज़ करके अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आपके वीडियो के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है उसको आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो फ्री टूल है वो कैनवा है, canva.com। अगर आपके पास कोई डिज़ाइनिंग स्किल्स नहीं है, हम जैसों के लिए, जैसे मुझे कोई डिज़ाइनिंग स्किल्स नहीं है, तो मैं कैनवा ही यूज़ करता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो को एडिट करने के लिए। आई मीन लाइक थंबनेल बनाने के लिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए, और सब्सक्राइब बटन के लिए, और बहुत सारे चीज़ है जो कि आप अपने खुद के वीडियोस के लिए, खुद के यूट्यूब चैनल्स के लिए, जैसे चैनल आर्ट हो गया, थंबनेल हो गया, और इसमें आप बहुत सारे चीज़ है जो कि कैनवा में आप बना सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब के शॉर्ट्स एड्स भी बना सकते हैं, उसमें आप शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपको वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि एक बिगिनर के पास होना चाहिए, ठीक है। आप उसको फ्री वर्ज़न में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रो वर्ज़न ही चाहिए होगा। ये आप फ्री वर्ज़न से भी यूज़ करके अपने लिए आपका खुद का चैनल जो कि ग्रो करवा सकते हैं। मैं भी आज तक फ्री ही यूज़ करते आया हूँ, अभी रिसेंटली मैंने प्रो लिया है क्योंकि मुझे ज़रूरत था, इस वजह से मैंने लिया। अगर आप भी बिगिनर हैं और आप अपना चैनल बिल्ड करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल टचअप देना चाह रहे हैं बाकी यूट्यूब क्रिएटर, बड़े यूट्यूब क्रिएटर की तरह, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे हम कैनवा को यूज़ करते हुए, फ्री कैनवा को यूज़ करते हुए, हम सब्सक्राइब बटन अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाएंगे, ठीक है। और उसमें पूरा प्रोसेस में अभी आप सबको बताऊंगा कि कैसे हम इसको पूरा फाइनल टचअप देंगे और एक प्रोफेशनल लुक देंगे। और अब मैं लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप अगर काइंड मास्टर अगर यूज़ करते हैं, अगर आपके पास काइंड मास्टर वाटरमार्क है तो उसको डिलीट कर दीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में मैंने वीडियो एक अपलोड किया है कि काइंड मास्टर प्रो फ्री वर्जन बिना वाटरमार्क के आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। वहां से आप जाके वीडियो देख के, आप वो लिंक पर क्लिक करके आप काइंड मास्टर फ्री वाला जो बिना वाटरमार्क का है, विदाउट वाटरमार्क, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको, आप सबको सिखाया है कि कैसे आप काइंड मास्टर से वीडियो एडिट कर सकते हैं प्रोफेशनल के तरीका से, प्रो के लेवल में आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। और उस वीडियो से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि बहुत कोई को ये नहीं पता कि वो अपना सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएंगे, जैसे कि उनका लोगो, चैनल नेम और बेल नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब बटन, वो सब कैसे आता है वो उनको नहीं पता। तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो अगर मैं वीडियो पीसी के स्क्रीन में चलने से पहले मैं आप सबके ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा वीडियो आप सबके लिए लेके आता रहूं और भी हेल्पफुल वीडियो आप सबके लिए बनाता रहूं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और मैं आप सबको दिखाता हूं कि कैसे हम आज कैनवा को फ्री में यूज़ करके हम खुद के लिए सब्सक्राइब बटन खुद के लिए बनाएंगे। चलते हैं हम अपने पीसी के स्क्रीन। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ मेरे पीसी के स्क्रीन पे और अभी मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक प्रो लेवल के जैसे अपना सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं खुद के वीडियोस के लिए। अगर आपको नहीं आता है सब्सक्राइब बटन बनाना, अगर आपको ये नहीं पता कि सब्सक्राइब बटन हम कैसे बनाते हैं खुद के वीडियोज़ के लिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने खुद के वीडियोज़ के लिए खुद के नेम का, खुद के लोगों का सब्सक्राइब बटन आप बनाएंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और वीडियो में मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि कैसे सब्सक्राइब बटन आप बनाएंगे बिल्कुल फ्री वेब प्लान से। अगर आपके पास कैनवा है और आप फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी आप बहुत ही खूबसूरत आप चीज़ें बना सकते हैं, जैसे थंबनेल हो गया और सब्सक्राइब बटन हो गया और बहुत कुछ। आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताता रहूँगा,
आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएंगे और वीडियो एडिटिंग के समय आप इसको कैसे ऐड करेंगे। अगर आपने वीडियो एडिटिंग का मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि कैसे आप काइन मास्टर में वीडियो एडिट करेंगे और कैसे सब्सक्राइब बटन ऐड करेंगे, वो सारा कुछ मैंने बताया है। अगर आपने मिस कर दिया है वो वीडियो तो आप चैनल के पेज में जाके देख सकते हैं या फिर मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से अभी मैं जैसे कैनवा में हूँ, आप देख सकते हैं ये फ्री प्लान है, तो यहाँ पे मैं वीडियोस में क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं यूट्यूब वीडियोस में क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ वीडियो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगा, ब्लैंक पेज जो कि 5 सेकेंड वीडियो का रहेगा, ठीक है। इसका कलर अभी मैं यहाँ से क्लिक करके ग्रीन करता हूँ। ग्रीन इसलिए करता हूँ क्योंकि काइन मास्टर में इसका कलर रिमूव करने के लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो अभी मैं ये हमारा ग्रीन स्क्रीन के टाइप ये बन गया। अब यहाँ से मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा और एलिमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको रेक्टेंगल, आप यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे रेक्टेंगल तो आपको यहाँ पे पहले ही ऊपर में आपको रेक्टेंगल जैसे आप सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ करके, यहाँ से ये फर्स्ट वाले में आप क्लिक करेंगे तो सेम यही खुलेगा। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, अब इसको ड्रैग करके हम इस तरफ करेंगे और यहाँ से भी इसको ड्रैग करके इस तरफ करेंगे, बिल्कुल ये बॉक्स के बराबर देख रहे हैं, एक बॉक्स आ रहा है इसके बॉक्स के बराबर हम करेंगे। फिर ये जो है इसका कलर ग्रीन है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं। तो इसका कलर अभी हम वाइट करेंगे पहले। वाइट करने के बाद अब यहाँ से हमें वापस एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे मुझे मैं लिखूंगा सर्कल, ठीक है। सर्कल इसलिए मैं ऐड करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्कल ऐड करना लोगों में, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सर्कल ऐड कर दिया, अभी इसको दिखाता हूँ मैं कि ये कितना खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास मेरा लोगो लेके आता हूँ मैं, ये रहा मेरा लोगो, तो इस लोगो को यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगा। अभी इसमें जैसे मैंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये सिर्फ मुझे बॉर्डर ही दिखाना है लोगो में और कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। ये जो लोगो का बाहर का जो कलर है ये वाइट है, तो इस कलर को मैं अभी ब्लू कलर में कलर करूँगा ताकि ये जो बॉर्डर है इसका खूबसूरत दिखे, ठीक है। तो अभी ये जैसे दो बॉर्डर का कलर वाइट हो ब्लू हो गया और मैं लोगो को दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप करूँगा। तो ग्रुप करने से क्या होगा ना, आप अपना लोगो आपस में एक ही साथ इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए वाइट वाइट बैकग्राउंड में ये कितना खूबसूरत दिख रहा है लोगो में, बिल्कुल सर्कल है, ठीक है। ये लोगो का कलर पिंक है, बैकग्राउंड वाइट है और ब्लू सर्कल में कितना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। ये लोगो हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ से हम टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में क्लिक करके हम हेडिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना चैनल का नेम डालेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना चैनल का नेम जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखाइए। मैंने अपना चैनल का नेम लिख दिया है यहाँ पे, ये मेरा चैनल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ये फ्री होता है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, बिल्कुल फ्री में होता है, कोई चार्जेस नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मेरा ये लोगो और चैनल नेम रेडी हो गया, अब यहाँ पे हम लगाएंगे सब्सक्राइब बटन जो कि फुल एनिमेशन वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स में हम क्लिक करेंगे वापस से और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब लिखते हैं और यहाँ पे आपको सजेस्टेड में आएगा सब्सक्राइब बटन, ठीक है। ऑल में आ रहा है तो आपको वीडियोज़ में क्लिक करना है। जैसे वीडियोज़ में क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं 10 सेकेंड्स का वीडियो है, तो इसको आप 10 सेकेंड्स का वीडियो में आपको क्लिक करेंगे और देख रहे हैं जैसे ये वीडियो में जो वीडियो है इसका भी ग्रीन बैकग्राउंड जो कि ग्रीन कलर में है, तो इसको अभी हम कैसे रिमूव करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही ये बड़ा रहेगा, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे ये वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइड पे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करके बिल्कुल इसके पास तक लेके आएंगे। ये जो हमें वाइट पार्ट है ना, सिर्फ हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम चारों तरफ से चारों कॉर्नर से हम इसको बिल्कुल ऐसे करके सेट करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ वाइट पार्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हो जाने के बाद हम इसको डन में क्लिक करेंगे। देखिए जैसे डन में हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन ये ग्रीन वाला हट गया, थोड़ा सा रह गया, मैं इसको भी थोड़ा हटा ही देता हूँ। बिल्कुल अंदर हम ऐसे करके कर लेंगे। ये देखिए अब इसको यहाँ पे मैं दोबारा डन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा वीडियो रेडी हो गया। थोड़ा सा अभी भी रह रहा है, अब कट जाएगा, देखिए ये कट गया। अब यहाँ से इसको अगर मैं वीडियो को
करता हूँ, देखिए ये सब्सक्राइब बटन फुल एनिमेशन के साथ आ गया, देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने के लिए आगे। ठीक है, ये अभी जैसे सब्सक्राइब बटन ये 10 सेकेंड्स का है, तो इसको आप थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 5 सेकेंड में यहाँ पे आप ऐसे करके इसको 5 सेकेंड में ड्रैग करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये वीडियो भी प्ले होगा यहाँ पे। फर्स्ट में जाके दिखाता हूँ मैं आपको, कर्जर को यहाँ पे लाया, जैसे मैंने अभी देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो ये बिल्कुल एनिमेशन के साथ है। अगर आप साउंड इसमें लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप साउंड भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसको थोड़ा सा मैं जूम नहीं करने का है, यहाँ पे जैसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे साउंड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑडियो में जाके, ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक माउस क्लिक। आप जैसे माउस क्लिक लिख के यहाँ पे जो कोई सा भी है, जो फ्री वर्जन आप यहाँ से आप एक ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफी सारे प्रो वर्जन है, अगर आप साउंड ना भी लगाई तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये सारे माउस क्लिक जो है वो प्रो वर्जन में है। तो आप अपने हिसाब से आप गूगल से भी डाउनलोड करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाके जैसे मैं आपको एक करके दिखा, यहाँ पे ये देखिए ये ऐड हो गया ना। इसको आप थोड़ा सा यहाँ से खुद के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करके आप इसको बनाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको नहीं करके दिखाऊंगा ऐड, क्योंकि ये प्रो वर्जन में नहीं है और ये फ्री वर्जन में बोल रहा है ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा। अब इसको हम क्या करेंगे, तीनों को जैसे फर्स्ट वाले हम सब्सक्राइब को हमने सिलेक्ट किया, नेम को सिलेक्ट करेंगे, लोगो को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉर्डर को भी सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम 3 डॉट में जाने के बाद इसको हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से क्या होगा ना, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कैसा बना है। देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए सब्सक्राइब बटन ये क्या है। अब इसको थोड़ा हम एनिमेशन में लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे, तो ये देखिए ऊपर उठ के आया ऐसे करके, ये देखिए साइड से निकल के आ रहा है ऐसे करके। पेज एनिमेशन में आप जाके यहाँ से पेज एनिमेशन में भी देख सकते हैं। तो पेज एनिमेशन में अगर आप जाते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप अनग्रुप ही रहने दें, फिर आप इसका मजा देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके एनिमेशन में क्लिक करेंगे और पेज एनिमेशन में जाएंगे, तो ये सारा की सारा कुछ एक साथ ही आएगा। ठीक है, तो इसी को हम कर लेंगे। देखिए देख रहे हैं ये हमने इसको ग्रुप नहीं किया था, इसीलिए जो लोगो है वो अलग से आ रहा है बाहर से। इसको हम क्लिक करके लोगों को ग्रुप में कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम वापस से एनिमेशन में डालेंगे। एनिमेशन में डाल के पेज एनिमेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे ये जो पैन है, पैन में हम जाकर इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए बन गया बिल्कुल शानदार। मैं चला के अभी दिखाता हूँ यहाँ से देखिए ये प्ले हो गया, लोगो आ गया, नेम आ गया। अब यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आएगा, देखिए सब्सक्राइब बटन भी आ गया और यहाँ पे प्ले हो गया। तो ऐसे करके आप अपना सब्सक्राइब बटन बनाएंगे। आप यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शेयर में क्लिक करके अब डाउनलोड में जाके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, MP4 फाइल में आप डाउनलोड करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा प्ले हो रहा है। बिल्कुल सिंपल एंड मस्त, ऐसे ही करके आप अपना यूट्यूब वीडियोज के लिए अब बहुत सारे वैरायटीज में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा जैसे डाउनलोड हो गया, अभी हम प्ले करके देखते हैं कि कैसा बनना है ये। ये देखिए बिल्कुल मस्त, ये सब्सक्राइब बटन भी क्लिक हो रहा है, नेम भी आ गया, सारा कुछ एक साथ आ रहा है। देखिए ये जो हमने पैन लगाने का क्या फायदा है ना, ये साइड से एक साथ निकलता है लेफ्ट साइड से। ठीक है, 5 सेकंड का वीडियो बना है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। और ये ऐसे ही करके आप अपने बाकी अगर आप को और भी लाइक ये पसंद नहीं आया, आप अपने खुद के डिजाइन से बनाना चाह रहे तो आप खुद भी बना सकते हैं फ्री वर्जन से, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके अपना सब्सक्राइब बटन बनाइए और अपने वीडियोस में यूज करते रहिए।
उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ऐसे ही कुछ वीडियोज़ जो कि आप सबके लिए हेल्पफुल हो, मैं ऐसे ही वीडियोज़ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ फाइबर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और हम ऐसे ही कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं, न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।